जरा मुंह टाइट करिए। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है सर सेंटर में। शुक्रिया। आज चीरहरण की शूटिंग चल रही है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। और चीरहरण में मैं एक कैरेक्टर है यादव का, वही कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। खलनायक का होता है कुछ निगेटिव ज़्यादातर होता है, तो आप इसमें किसको मारपीट करने वाला है? बलात्कार ऐसा कुछ जैसे लग रहा है। नहीं, बलात्कार नहीं है, लेकिन हालात ऐसे मतलब इस तरह से पैदा होता है कि सिचुएशन बन जाता है, तो आदमी इसमें इन्वॉल्व होते जाता है, धीरे 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 होता चला जाता है। संजीव जी हमेशा विलेन लास्ट में मार खाता है जी, ठीक है, लेकिन शुरू में बहुत लोगों को मारता है, पीटता है, जो करना होगा। आपको नहीं लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए फिल्म में? बिल्कुल अलग होना चाहिए। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि विलन मार ही खाए, क्योंकि आज कहीं भी आप देख लीजिए जो क्राइम करते हैं कहाँ मार खाते हैं, छूट जाते हैं या तो। आज जो स्थिति देश की चल रही है उसमें बाहुबलियों का ही राज है जी, वो कभी हारता नहीं है, हारता नहीं। आपको कभी ऐसा फिल्में करनी चाहिए? करनी तो नहीं चाहिए, चूँकि समाज को एक बुरा संदेश जाएगा। और जहाँ तक सवाल है बाहुबली, तो जो गरीब लोग हैं, लाचार हैं, उनको डरा करके वोट ले करके अगर आप जीत करके एमपी एमएलए बनते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने हुनर पे बनो, काम करो, व्यवस्था दुरुस्त करो, उसके बाद अगर जनता आपको चुनती है तो ये सही चीज़ है। ज़्यादातर फिल्मों में, साउथ फिल्मों में दिखाया जा रहा है आजकल बिहार यूपी की छवि को खराब करने के, उसमें विलेन को दिखाया जाता है कि वहाँ के दबंग लोग हैं, कोई गलत काम होता है तो बिहार यूपी के ही नाम आता है, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि बिहार यूपी के लोग खराब होते हैं। बिहार यूपी लोग बहुत अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। आप IAS IPS इंजीनियरिंग में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यूपी बिहार के ही लड़के क्वालिफाई होते हैं। एक नज़रिया बन गई है लोगों में कि हाँ बिहार यूपी में कुछ। देखिए आप कोई भी केस या कांड होता है तो आप देखते होंगे कि हर स्टेट में होता है, लेकिन वहाँ के बारे में लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिससे बिहार बदनाम हो गया, यूपी बदनाम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ के सारे लोग बुरे हैं, सारे नेता बुरे हैं। वहाँ पे अच्छे नेता भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। बस आपका किरदार जो विलेन का है, तो विराट भट्ट के साथ कैसा टकराव होता है आपका? ये मत पूछिए कैसा टकराव होता है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जो एनर्जी होती है वही यहाँ भी है, वही फंडा यहाँ भी लागू है। मैं नेगेटिव एनर्जी हूँ, वो पॉजिटिव एनर्जी है। इससे पहले कौन कौन से फिल्में आ चुकी है? इससे पहले मैं प्यार बिना चैन कहाँ रही, मैं विलन था, पवन सिंह जी हीरो थे, और चुन्नू बाबू सिंगापुरी चाइना के प्रोड्यूसर थे, उसमें मैं विलन था। फिर उसके बाद देवरापे मनवा डोले आप तो जानते हैं, आलोक जी प्रोड्यूसर थे, मैं उसमें विलन था, खेसारी जी उसमें हीरो थे। हिंदी फिल्में की, थिएटर से हूँ, रंगमंच किया है मैंने। इतने सारे सोने गहने आप हाथों में और गले में लगा करके, वो डर नहीं लगता इनकम टैक्स की छापा मारेगी आपको? डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करिएगा, कैरेक्टर है, उस चीज़ को हम दिखा रहे हैं, उस पीरियड को दिखा रहे हैं, तो थोड़ा पहन। रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं है? नहीं, रियल लाइफ में मैं गहना नहीं पहनता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ और ज़मीन पर ही रहना चाहता हूँ। काजल रघानी इस फिल्म की हीरोइन, उनके बारे में दो शब्द। काजल जी बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं और बहुत बढ़िया स्वभाव की हैं वो, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत आगे जाएंगी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर कभी आपको सताते हैं? प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं और हमारे दुलारे हैं, नहीं सताते हैं बेचारे। जो भी हम लोग डिमांड करते हैं पूरा करते हैं, चाहे जहाँ से भी। पक्का? पक्का। अभी उन्होंने आपकी शिकायत की कि आप मेरी डिमांड पूरा जो मैं तो करता, लेकिन वो नहीं करते मेरी डिमांड को पूरा। अब उनकी क्या डिमांड है मैं ये नहीं जानता। प्रोड्यूसर लोगों की डिमांड तो आप जानते ही अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन हम उनकी डिमांड तो पूरा नहीं कर सकते, हम काम से उनकी डिमांड को पूरा कर दें। अजय जी के साथ पहली बार काम कर रहे हैं जी। जी कैसा काम करने में लगा आपको? अजय जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, सुलझे हुए हैं, बहुत जमा जमा करके एक एक सीन कर रहे हैं, और हॉलीवुड की फिल्में की हैं, जंगल बुक में वो असिस्टेंट थे। काफ़ी अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। आपको शुरू से ऐसा नहीं लगा कि मैं जाऊंगा बॉम्बे हीरो बनने के लिए? नहीं, शुरू में तो मैं मेडिकल की तैयारी करता था और एयरफोर्स में भी मैं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन नहीं जा पाया। बाद में एक बार मैं रंगमंच थिएटर देखने गया, जो जहाँ पे नाटकें होती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सोचा कि क्यों ना यहीं किया जाए, और उसमें फिर लग गया। आपके घर वाले क्या चाहते थे कि आप क्या बने? घर वाले तो चाहते थे, हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लेकिन उनकी भी यही उम्मीद थी हमसे लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं उनसे कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना, लेकिन इसी फील्ड में मैं उनका नाम रोशन करूँगा। पापा का नाम लेते कुछ उनके बारे में बताइए, कुछ डांट पड़ी हो, कुछ यादें। मेरे बाबूजी बहुत अच्छे हैं और अध्यापक थे, वो अब तो रिटायर हो चुके हैं, अब तो कभी कभी बीमार भी रहते हैं। मेरी माँ भी बहुत अच्छी है, हमारी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और बाबूजी के बारे में क्या बोलूँ, अगर मैं वैसा फादर अगर मैं अपने आप मैं बन जाऊँ तो बहुत ज़्यादा सुधार दिया हो। गलती की है? हाँ, गलती तो मैं बच्चा हूँ, गलती तो मुझसे हो गई थी, कई बार हुई है, लेकिन माता पिता बच्चे को कहाँ, रावण हो या राम, अपने बच्चे सबको प्यारे। जी चलिए, अब नए साल की एक शुभकामनाएं दे दीजिए। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय हो और आप लोग अच्छा से रहिए, स्वस्थ रहिए।